गाइस, मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने किचन क्रेजी हंगर में। आज हम अपने किचन में कुछ बनाने से पहले कुछ हेल्थ की बातें करते हैं। आपको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में हरी सब्जियाँ बहुत अच्छे से मिलती हैं और बाजार में आप कहीं भी चले जाइए हरी सब्जियाँ भर भर के मिलती हैं। ऐसे ही हरी सब्जी में एक शानदार सी सब्जी है जिसका नाम है पालक। हरी पत्तेदार सब्जी जिसके खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं और इसको सर्दियों में खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी आपको पालक खाने के लिए बोलते हैं क्योंकि पालक में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें विटामिन के और कैल्शियम की मात्रा बहुत होती है जो हमारे शरीर के खून की कमी और हड्डियों को बहुत ही मजबूत करती है, तो इसलिए हमें सर्दियों में तो पालक जरूर ही खानी चाहिए। लेकिन हमारे जो घर के बड़े और जो बच्चे हैं वो पालक को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, वो साग खा खा के बोरिंग हो चुके हैं। तो आज हम पालक और पनीर की न्यू स्टाइल से एक रेसिपी बनाते हैं जिसको खाकर बड़े ही क्या बच्चे भी इसको बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। तो चलिए न्यू स्टाइल से अपने पालक पनीर की सब्जी को आज बनाते हैं हम अपने किचन में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा कि हमने किस स्टाइल से बनाई है पालक पनीर की सब्जी। पालक पनीर बनाने के लिए हमने सबसे पहले पालक लिया है, पालक को काट कर अच्छे से वॉश कर लिया है हमने। अब इसमें हम डालेंगे पनीर। पनीर को हमने रब कर लिया है अच्छे से क्योंकि हम पालक पनीर बना रहे हैं, इसलिए पनीर अच्छे से ले लेना। इसके बाद हम लेंगे कटी हुई मिर्च, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार और लेंगे बेसन। इसको डाल के अच्छे से इसको मैश करेंगे। इसमें पानी नहीं डालना क्योंकि पालक में पानी ऑलरेडी होता है, इसलिए हमें पानी नहीं डालना नहीं तो वो बह जाएगा। हमें ऐसे ही इसको मैश करना है। हमने सबको अच्छे से मैश कर लिया अपने पालक पनीर मसालों को। अब हम क्या करेंगे, इनकी बॉल्स बना बना के प्लेट में रखेंगे। हमें इनकी बॉल्स बनानी है प्लेट में, ऐसा करके सारे पालक को हम बॉल्स में बना लेंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। हमने सारे पालक के अपने बॉल्स बना लिए हैं, बॉल्स बना बना के एक प्लेट में रख लिए हैं। अब गैस पर एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है हमने। अब इन बॉल्स को इस तेल में डीप फ्राई करेंगे हम। सारी बॉल्स को डीप फ्राई करना है अच्छे से। हमने इनको डाल दिया है अच्छे से, इनको एक एक करके अच्छी तरीके से सेकेंगे। देखो गोल्डन होने तक हमें इनको सेकना है अच्छे से और फिर इसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे हम। हमारे पालक की बॉल्स जो बनी थी बहुत अच्छे से सिक चुकी हैं, देखो गोल्डन कलर आ चुका है इनका। अब इनको हम जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने अपनी बॉल्स को एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में हमने 3 टमाटर लिए, उसको जो बड़ा बड़ा काट लिया है उसको डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे कटी हुई मिर्च और अदरक, आप लहसुन भी डाल सकते हैं, और इसको ग्रेंड कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। हमने अपनी ग्रेवी को अच्छे से ग्रेंड कर लिया है, देखिए ये ग्रेंड हो गई। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। हमने अपने टमाटर मिर्च की ग्रेवी को एक उसमें प्लेट बाउल में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक गैस पर अपनी कढ़ाई को गरम करेंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, इनका तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें थोड़ी सी हींग डाली है। अब हम इसमें अपना प्याज को काटा है हमने लंबा लंबा, इसको अच्छे से ब्राउन होने तक। हाँ, इसमें एक चीज़ और डाल देंगे बीच में, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम जिससे प्याज अच्छे से गल जाएगा और इसको ब्राउन होने तक हमें पकाएगा नहीं। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है। हाँ, इसमें हम देखना लास्ट तक हम क्या करते हैं। इसमें आपको
पालक पनीर की सब्जी ऐसे देखकर इतना मज़ा आ जाएगा कि आप बार बार बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना कि हम क्या क्या करते हैं इसमें। हमने अपने प्याज को फ्राई कर लिया है, हमारा प्याज फ्राई हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टमाटर और मिर्च की ग्रेवी को इसमें डाल देंगे, मिला देंगे अच्छे से। अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें लेना है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, उसको डाल देंगे। और इसमें लेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, इसको भी डाल देंगे। और इसमें हम लेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, इसको भी डाल देंगे। और इन सब को क्या करेंगे, हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमें अपने मसालों को भी पकाना है अच्छे से। हम क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हमने ग्रेवी को मिला लिया है अच्छे से। इसमें हम अब तक थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो रही है। अभी हमें ग्रेवी को अपने पकाना है अच्छे से, तो इसमें हम पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे धीमी आंच में। गैस का फ्लेम जो है वो लो रखना है, अभी हमें तेज नहीं करना है। अब इसको अच्छे से पकने देंगे हम थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के। इसको हमें तब तक पकने देना है जब तक हमारा जो ग्रेवी के ऊपर ऑयल ना आ जाए। तब तक इसे पकने देना, जब ग्रेवी के ऊपर ऑयल आ जाएगा इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। हमारी ग्रेवी को 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और देखिए ग्रेवी में ऑयल जो है वो ऊपर तक आने लगा है, इसलिए हमारी ग्रेवी इसका मतलब बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इसमें डालनी है मटर। हमने थोड़ी सी मटर को छील लिया है, मटर को डालेंगे हम इसमें। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे हमें, क्योंकि बिल्कुल काढ़ी नहीं बनानी। अभी हमें अपनी बॉल्स को भी डालना है इसमें। हमने पानी डाल दिया है, अब इसमें हम अपनी बॉल्स को डाल देंगे। हम इनको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। हमने इस थोड़ा सा पानी और डाल दिया इसमें, और पूरी ग्रेवी को अब थोड़ी देर के लिए ढक कर 5-10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको थोड़ी देर पकने देंगे हम। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। हमने अपनी सब्जी को 7 मिनट तक पकाया और हमारी सब्जी बहुत अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें एक लास्ट चीज़ रह गई है जो हमारी सब्जी की जान होती है, वो है हमारा धनिया। अब इसमें हम कटा हुआ धनिया ऊपर से डालेंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। ये बन गई हमारी पालक पनीर की सब्जी।